दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। ये खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर कि दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा। किसमें मौका नहीं मिलेगा? तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में प्राथमिक शिक्षा के सहायक अध्यापकों की भर्ती में राज्य के जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान जो डाइट है, उसके अलावा दूसरे राज्य के डीएलएड प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करने वाली अभ्यर्थी की दावेदारी रद्द करने के निर्णय को सही ठहराया है। बेसिकली कोर्ट में चल रहा था, कोर्ट ने इसे चुनौती देती याचिका खारिज कर दी है। याचिका पर शुक्रवार को न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया। याचिकाकर्ता सोनम ने सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के लिए आवेदन करते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से डीएलएड पाठ्यक्रम करने का प्रमाण पत्र उसमें संलग्न किया था। इससे उत्तराखंड के प्राथमिक शिक्षा विभाग ने रद्द करते हुए कहा कि सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के लिए वे अभ्यर्थी ही अर्हता प्राप्त होंगे जिन्होंने उत्तराखंड के डाइट से डीएलएड का कोर्स किया हो। प्राथमिक शिक्षा विभाग ने यूपी के अभ्यर्थियों का आवेदन रद्द करते हुए अवगत कराया था कि यह शर्त इन शिक्षकों की भर्ती संबंधी विज्ञप्ति में पहले से ही लिखी गई है और इस आधार पर उत्तराखंड हाईकोर्ट की एकलपीठ ने प्रयागराज की याचिकाकर्ता को खारिज कर दिया। तो हाईकोर्ट ने अन्य राज्य के डीएलएड अभ्यर्थियों की दावेदारी निरस्त करने का निर्णय सही ठहराया था। मतलब कि उत्तराखंड में वही जो डीएलएड वाला मामला चल रहा था, तो दूसरे जगह से आप डीएलएड नहीं हो सकते, उत्तराखंड से ही आपका डीएलएड यहां पर भी होना चाहिए। तो ये एक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हर स्टेट में अदर स्टेट को मौका नहीं मिलता है, कुछ राज्यों में मिलता है। तो ये उत्तराखंड का एक अपडेट है जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।